चलो ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। बहुत 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 मस्त चैप्टर ही है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेकिन इसके लिए है ना, इसमें रटना कुछ नहीं होता है और इसमें समझना बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी आपने टेंथ में थोड़ा बहुत देखा ही है, फिर भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, केमिकल बॉन्डिंग एंड एंड मोलेकुलर स्ट्रक्चर। क्या है भाई? केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलेकुलर स्ट्रक्चर। देखो, देखते हैं क्या चीज है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल बॉन्डिंग। देखो, ये बहुत ही मस्त सीक्वेंस में केमिस्ट्री रखी हुई है। चैप्टर वन में हमें ये सिखाया कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या मोल होता है, कौन सी क्वांटिटी होती है, मैथमेटिक्स में किस तरह से डिजिट लिखे जाते हैं, वन मोल का मतलब क्या होता है, ये सब चीज उन्होंने बहुत अच्छे से समझाई। फिर हमें डायरेक्ट टू द पॉइंट वो लोग एटम पे ले गए। एटम होते कितने, एटम में क्या होता है, किस तरह से अरेंजमेंट है। फिर चैप्टर थ्री में जो टोटल एटम्स थे वो सभी एटम्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, और उनको अच्छे से उन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया है, या ना। अब जब यस चैप्टर फोर हम लोग आए तो उसमें ये लोग ये बताने वाले हैं कि जब एटम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके किस तरह से मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, कैसे दो एटम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और जुड़ते ही क्यों है, उन्हें जुड़ना ही क्यों है, एटम अपने आप से अकेले अकेले घूमते रहे क्या दिक्कत है। दूसरी बात, आप पानी का मॉलिक्यूल ऐसे लिनियर क्यों नहीं लिखते हो, पानी का मॉलिक्यूल ऐसे क्यों लिखते हो भाई, यहाँ पे ऐसा क्यों, एक ऑक्सीजन के साथ दो ही हाइड्रोजन हर बार क्यों लिखते हो, पांच छह हाइड्रोजन क्यों नहीं रखते हो, HCl में हर बार HCl ऐसे ही क्यों लिखते हो भाई, यहाँ पे दो Cl क्यों नहीं होते, H के साथ दो Cl क्यों नहीं जुड़ सकते हैं, इसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड की एंथैल्पी क्या होगी। सो दिस ऑल आर द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी सॉल्व बाय दिस चैप्टर। अभी मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है तो उनके लिए तो बहुत सारी थियरी आई, वैलेंस बॉन्ड थियरी आई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आई, और सबसे पहले VSEPR आया। तो ये सभी जो है, और कॉसल और लुइस, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ट्राई की थी इन सब चीजों को समझाने की। अब समझ रहे हो मेरी बात, हम क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में। हेलो, सर, यस सर, अब सीक्वेंस देखो कि चैप्टर वन में हम क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर टू में क्या पढ़ा, चैप्टर थ्री में क्या पढ़ा, चैप्टर फोर में क्या पढ़ा। तो चैप्टर फोर में बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि भाई मोलिक्यूल बनना ही क्यों है। ओके, उससे पहले केमिकल बॉन्डिंग, ये है क्या केमिकल बॉन्डिंग, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल बॉन्डिंग। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई मॉलिक्यूल होता है, सपोज ये पानी का मॉलिक्यूल है, तो उसमें एटम्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो एक दूसरे के साथ जो अट्रैक्शन से जुड़ते हैं उसको हम लोग बॉन्डिंग बोलते हैं, बॉन्डिंग। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग है। सो व्हाट आई जस्ट वांट टू से, केमिकल बॉन्डिंग इज द अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो एटम रहते हैं वो एक दूसरे के साथ कोई अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं, और उसी फोर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ अच्छे से, उसी फोर्स को हम क्या बोलने वाले हैं, बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग। चलो, तो सबसे पहले ये केमिकल बॉन्डिंग होती कैसे है और होती क्यों है, उसके लिए दो साइंटिस्ट है, लुईस और कॉसल, जो आपने टेंथ में पढ़ रखा था वही है। चलो वापिस पढ़ते उसको। तो हर बार स्टेप बाय स्टेप हम लोग हमारी थियरी को बड़ा करते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। बहुत इजी और बहुत मजे वाला चैप्टर है ये। समझ रहे हो बात? हाया ना। यस सर, यस सर, चलो तब आगे बढ़ते हैं। चलो, इसमें हम सबसे देखते हैं, सबसे पहले कौशल एंड लुइस, ये जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने अप्रोच दिया था। अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, सीबी लिखता हो तो केमिकल बॉन्डिंग समझना आप, ठीक है, सीबी लिखो तो क्या लिख समझोगे आप, केमिकल बॉन्डिंग। अब सुनो, केमिकल बॉन्डिंग हाँ, अब केमिकल बॉन्डिंग समझने के लिए आपकी कौन से केमिकल बॉन्डिंग आप कौन
कौन से तौर पे समझा सकते हो? तो ये तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी, ठीक है? तो इनके हिसाब से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से और उसके कोवेलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर बहुत सारे नतीजे, मींस केमिकल बॉन्डिंग कैसे होते हैं वे सब देख रहे थे। लेकिन इसमें सबसे पहले ही 1916 दो साइंटिस्ट आए, कौन कौन? कौशल एंड केएल राहुल, कौशल एंड लुइस, समझे बात? उन्होंने दोनों ने सेपरेटली, कौशल और लुइस दोनों ने इंडिविजुअली एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने सबसे पहले केमिकल बॉन्ड के बारे में बताया, और उनका जो एक्सप्लेनेशन था और उनका जो पूरा लॉजिक था वो किसके ऊपर बेस था पता है आपको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नोबल गैस। ये जो नोबल गैस है, ये जो नोबल गैस है वो नोबल क्यों है, वो रिएक्टर रिएक्शन कम क्यों देते, वैसा लॉजिक लगाया है किसने भाई? कौशल एंड लुइस ने। और इस लॉजिक के ऊपर उन्होंने वैलेंस को कंसीडर किया, फोकस किया, और उसमें भी पर्टिकुलरली किसको उसने फोकस किया? नोबल गैस के वैलेंस को, और उसके ऊपर से पूरा केमिकल बॉन्डिंग की जो थियरी है वो समझा दी। चलो पहले हम पढ़ेंगे लुइस की थियरी, फिर हम पढ़ेंगे कौशल की, दोनों सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे आप बात? ओके, अब सुनो, अब हम बात करते हैं लुइस का अप्रोच। चलो रेडी भाई, सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग किसके ऊपर से एक्सप्लेन करने की ट्राई की इन लोगों ने? नोबल गैस। हाँ, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, लेकिन सबसे पहले ट्राई की कौशल और लुइस ने, और उन्होंने देखा नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब लुइस आए पिक्चर में, लुइस ने बताया कि कोई भी अगर आपके पास एटम है उसके पास दो ही चीज है, एक होता है कर्नल, एक होता है कर्नल और एक होता है वैलेंस। अब ये क्या है सर, ये नया नया ला रहे हो बखेड़ा। समझ में, अगर आपको सोडियम बोलूं तो सोडियम में कितने प्रोटॉन आते हैं? सोडियम में 11 प्रोटॉन, तो 2 8 और क्या आएगा? 1 1 1। तो ये एटम हो गया सोडियम का, तो इसको आप दो चीज में कन्वर्ट कर दो, ये पूरा वाला इनर ऑर्बिटल से वो, और पूरा वाला जो सेंटर है ये पॉजिटिवली चार्ज करने लगा। अब भाई आपको बात समझ में? और ये हो गई आपकी वैलेंस, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो क्या हो गई? वैलेंस। पता चला, बात समझ में आई? हेलो सर, एक बार वापिस कहना। लुइस ने एटम को दो कंसीडर में, अब देख आम के दो पोर्शन होते हैं, एक गुटली और गुटली के बिना वाला भाग। आम के कितने पोर्शन होते हैं? दो, गुटली और गुटली के बिना वाला पोर्शन। तो यहाँ पे ऐसा ही एटम के दो पोर्शन, एक कर्नल और एक वैलेंस। कर्नल क्या होता है? उसमें न्यूक्लियस आ जाता है प्लस इनर ऑर्बिटल्स भी आ जाती है, इनर ऑर्बिट भी आ जाती है, समझे अभी बात? Yes, तो उस हिसाब से सर कर्नल ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा ना? हाँ हाँ, पॉजिटिवली चार्ज करने लिए। हाँ हाँ हाँ, पॉजिटिवली चार्ज ही होता है वो, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल और ये वैलेंस, ये दो मिलके क्या बनाते हैं? कर्नल। अब देखो, अगर आप कर्नल को सोच लो कि एज अ सेंटर, सोच लो आप कर्नल को, तो उसने ये बोला कि हर कोई वैलेंस मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं। किसने बोला ये? लुइस ने। लुइस ने उसने ऐसा बोला कि अगर आपके पास कोई क्यूब है और उस क्यूब में बीच में कर्नल है और आसपास आप इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने हैं, तो कहां पे रखोगे आप? लास्ट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अबे ओए, अभी ऑर्बिट नहीं, अभी लुइस ने ऐसे बताया, सपोज एक क्यूब है और क्यूब के सेंटर में कर्नल है, तो अब 8 इलेक्ट्रॉन हम कहां पे रख सकते हैं बताओ? सभी कॉर्नर्स पे, कॉर्नर पे। तो लुइस ऐसा एजप्शंस दे रहा था, अगर सभी कॉर्नर पे रखोगे ना तो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कैसी रहती है बच्चों? उसकी स्टेबिलिटी कैसी रहेगी? ज्यादा। अब समझे बात? ज्यादा अच्छी रहेगी। हाँ, क्योंकि वो सिमेट्री हो जाएगा, अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन उठा लोगे तो इम्बैलेंस हो जाएगा, समझे बात सर? यस सर। हाँ बोल। कर्नल
कर्नल क्या कर्नल कर्नल जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव थोड़ा होगा, दोनों होगा ना नेगेटिव भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी ऑलवेज पॉजिटिव और कम होंगे ना प्रोटॉन, यहाँ पे 15 सब सोडियम का ही देखना तो 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है तो प्लस 1 चार्ज हुआ ना कर्नल का। पर वो पूछ रहे हैं सर कि हमें वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी लेनी पड़ेगी ना, जो फर्स्ट ऑर्बिट है वो भी, तो वो थोड़ी लेते सर, उसके अंदर का सिर्फ पार्ट लेते ना, इनर ऑर्बिट का पार्ट। ऑर्बिट लेनी है आपको, आउटर मोस्ट ऑर्बिट नहीं लेनी है, वो वैलेंस है, बाकी सब अंदर वाला ले लेना है। ओके आउटर मोस्ट ऑर्बिट ही नहीं लेनी है और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। बात क्या होता है कि हर कोई वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन करने की चाह रखता है, वो जुड़ेगा क्यों? अगर यहाँ पे इम्बैलेंस है तो लुईस ने ये बताया कि एटम अचीव्स द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड्स। अब इनको इलेक्ट्रॉन अगर इम्बैलेंस है तब वो केमिकल बॉन्ड बनाएंगे और अपने आसपास 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव करेंगे। ओके समझ रहे हो बात? ये लुईस वो बता रहा है भाई अभी सब कुछ। अब ये सब कुछ कौन बता रहे है भाई? लुईस। समझ में आ रही है ना बातें थोड़ी थोड़ी? 11 टेंथ में पढ़ा था आपने ऐसा सब। अब क्या हुआ? अब सोडियम है, सोडियम तो सोडियम क्या होगा, सोडियम और क्लोरीन है तो सोडियम में होते हैं 281 और उसमें होते हैं 287, तो 1 इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। तो यहाँ पे Na प्लस हो जाएगा और ये Cl माइनस हो जाएगा। इसने भी ऑक्टेट कंप्लीट कर ली और इसने भी ऑक्टेट कंप्लीट कर ली, दोनों ने ऑक्टेट कंप्लीट कर ली, समझे बात? ये दोनों क्या हो जाएंगे? स्टेबल। यस सर। अब कई बार क्या होता है, कई बार शेयरिंग से भी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से भी, आपको पता है ये आयोनिक बॉन्ड बोलते थे हम लोग, अभी अभी जो रिसेंट है हम इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है तो उसको आयोनिक बॉन्ड बोल रहे हैं, कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से अगर स्टेबल हो रहा है तो उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते बेटे, समझे बात? यस और नो? यस सर। कई बार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से भी, सपोज फ्लोरीन है तो 1 2 3 4 5 6 7 तो सामने दूसरा फ्लोरीन आएगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, यहाँ पे शेयरिंग होगी। आ रही है बात समझ बच्चों? चलो ओके अब हम बात करते हैं। अब लुईस ने तो बता दिया कि भाई आप शेयरिंग से भी क्या कर सकते हो, भाई शेयरिंग से भी यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करते हो, तो जो शेयरिंग से ऑक्टेट कंप्लीट करते हो तो वहां पे क्या आता है बताओ? अगर शेयरिंग से ऑक्टेट कंप्लीट करते हो तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड आता है। बस तो ये बताया था लुईस ने। ओके और लुईस ने बहुत बढ़िया बताया कि अगर आपको अच्छे से समझना है, अगर आपको अच्छे से समझना है तब क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको अच्छे से समझना है तब क्या होगा, मैं आपको बताऊं, उसने भाई यहां तक लिखना है, अगर कोई पूछे लुईस अप्रोच फॉर द केमिकल बॉन्डिंग तब इतना ही लिखना है। सबसे पहले क्या लिखोगे, कर्नल और एटम के क्लासिफिकेशन के बारे में, फिर आप सोचो कि क्यूब के सेंटर में कर्नल है तो सभी कॉर्नर्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हर कोई एटम ट्राई करता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, दैट्स व्हाई इट कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, फिर दो एग्जांपल दे दो, समझे बात? अब मैं बात करता हूँ, लुईस ने एक रिप्रेजेंटेशन की स्टाइल दिखाई थी कि सपोज आपको जो कर्नल हो कैसे देखोगे, वो सिंबल कर्नल समझो, ये लिथियम है, लिथियम तो मुझे उसको इंडिकेट करना है तो मैं पहले उसका सिंबल लिखूंगा लिथियम का एलाय, उसके आसपास एक डॉट रखूंगा, तो आपको समझ जाना है कि उसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है। समझो अगर मैंने यहाँ पे बेरिलियम लिखा तब कितने इलेक्ट्रॉन रखूंगा बताओ? टू। आई बात समझ में? अगर मैं यहाँ पे बोरॉन रखू तो, चलो बोरॉन रख दिया तो थ्री इलेक्ट्रॉन्स पक्का। Yes, अगर यहाँ पे कार्बन रखा तो four. चलो सपोज नाइट्रोजन रखा तो फाइव सर। चलो सपोज ऑक्सीजन रखा तो सिक्स। सर वो कहीं भी रख सकते हैं ना डॉट? हाँ लेकिन अपने गांव में मत रखना, इसके आसपास रखना स्फीयर में। सेवन आएंगे फ्लोरीन। हाँ अरे गांव में ऐसे थोड़ी, उसके आसपास ही बोल रही हूँ। हाँ तो ठीक है,
तूने बोला कहीं पे भी, तो तू जाके बोले कि मार्स पे जाके हम लोग लिखे। अरे मतलब सर वो ऑक्सीजन लिखा है वो सिंबल, उसके आजू बाजू में कहीं पे भी ना, ऐसा जरूरी थोड़ी स्क्वायर में लिखो या सर्कल में, वो तो कहीं भी रख मोस्टली सकते हैं, क्या ऐसा करते हैं, थोड़ी मैं बोल रही अभी। हाँ मोस्टली दो दो की पैर में रखते हैं। सुन अगर यहाँ पे नियॉन लिखना है तो सुन, मैं ऐसे लिखूंगा दो दो की पैर में, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट्स व्हाट। आई बात समझ में तुझे? यस तो फिर चल अब इसके बाद, ओके हो गया, ये लुईस रिप्रेजेंटेशन है। आ रही है बात समझ में? और इससे ना ये पता भी चलेगा कौन से ग्रुप में है। सपोज लिथियम कौन से ग्रुप में होता होगा बताओ, कौन फर्स्ट से? ग्रुप, फर्स्ट फर्स्ट, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है तो ये दो दूसरे ग्रुप में होता होगा, यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन है तो तीसरे ग्रुप में होता होगा, यहाँ पे 14 15 16। ओके वैलेंस अगर आपको ढूंढना है वैलेंस, तब आप या तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गिन लो या फिर उसको 8 में से माइनस करना। सो फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 8 माइनस 7, 7 माइनस 8 माइनस 1, -2 -3, ऐसे। तो आपको वैलेंस का भी आइडिया आ जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ट्राई करेगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ट्राई करेगा। लेकिन आपको पहले पता चाहिए होना चाहिए कि लुईस ने कैसे बताया था कि कोई भी एटम को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब कौशल आया तो कौशल ने भी ऐसा ही बताया था। अब कौशल ने बहुत अच्छे से समझाया, देखो अब आपको पता ही है लेकिन समझाने का तरीका डिफरेंट है। आपसे अप्रोच किसका है, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। देखो लुईस का अप्रोच 2 मार्क्स में कंप्लीटेड, अब किसका अप्रोच है बताओ। कौशल ओके चलो अब हम बात करते हैं कौशल का। एक्सप्लेन द केमिकल बॉन्डिंग अप्रोच ऑफ कौशल, या फिर कौशल ने क्या बताया था भाई। कौशल ने देखो बहुत बढ़िया, अभी आपको भी पता है उसको भी पता है। अगर यहाँ पे मैं छोटा सा पीरियडिक टेबल एक ड्रॉ करूँ, बहुत छोटा सा, और ये डी वाला आ गया, ये पी वाला आ गया, और यहाँ पे एफ नहीं ड्रॉ किया, आप समझ रहे हो बात। पीरियडिक टेबल दिख रहा है आपको, ग्रुप नंबर 18 और ये 17 है और ये 16, समझो आप ये 17 है और ये 16 है, और ये ग्रुप नंबर सपोज यहाँ पे 1 और 2 है। वो जो भी आप समझ लो, बात ये है। तो पहला वाला ग्रुप जो है कौशल के अकॉर्डिंग, उसका पहला पॉइंट क्या था, इन पीरियडिक टेबल द हाईली नेगेटिवली हैलोजन एंड हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव अल्कली मेटल्स आर सेपरेटेड बाय द नोबल गैस। मींस अगर आप बात करो नोबल गैस की, तो नोबल गैस ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना तो वो क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेट। डोनेट हाँ तो ये जो होता ये जो होते हैं ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17, दे आर सेपरेटेड बाय द नोबल गैस। नोबल गैस यहाँ पे आएगा लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, और यहाँ पे आएगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो पहला पॉइंट ये है कि बोथ आर सेपरेटेड। उसमें आपको पता ही है कि ये जो ग्रुप 1 होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, यस और नो? यस और ये जो सर। ग्रुप 17 होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। आई बात समझ में? यस सेपरेट मतलब नोबल गैस से सेपरेट किया, मतलब हमें पता ही है ना कि ये देख 17 फिर 18 फिर वापिस 1। जैसे यहाँ पे तो आएगा सुन लिथियम पोटेशियम, इसके बाद कौन आता है, ये आर्गन के पहले कौन आता है, आर्गन क्लोरीन, फिर आर्गन फिर पोटेशियम फिर कैल्शियम लिखता है ना तू। तो तेरा ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 1 किससे सेपरेटेड है बता, 18 ग्रुप से। फिर ऐसा आता है ना फ्लोरीन नियॉन सोडियम, आ रही बात समझ में तुझे अभी? यस। तो ग्रुप तुम्हारा फर्स्ट और 17 ग्रुप नोबल गैस से सेपरेटेड है। दूसरा ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं,
17 ग्रुप वाले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनाते हैं, और वो जो आयन बनती है ना वो ट्राई करते हैं, वो आयन इसलिए बनाते हैं कि उनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है वो नोबल गैस की तरह हो जाए, NH2NP6 हो जाए। समझा बात? तो पहली बात ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 सेपरेटेड बाय नोबल गैस। दूसरी बात, ग्रुप 1 पॉजिटिवली चार्ज बनाते हैं, नेगेटिवली चार्ज बनाते हैं, ये आयंस कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करते हैं? NH2NP6। लास्ट वाला कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आते हैं वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। कौन से फोर्स से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक दूसरे के साथ बच्चे क्या होते हैं? जुड़ते हैं और अच्छा से एक आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। हम अभी आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, उस टाइम पे उन्होंने बोला था इलेक्ट्रोवैलेंस। क्या बोला था? इस बॉन्ड को अभी हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? सपोज NaCl आयोनिक है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, लेकिन उस टाइम पे इसको बोलते थे इलेक्ट्रो कोवेलेंट। सिर्फ कोवेलेंट नहीं, कौन सा कोवेलेंट? इलेक्ट्रो कोवेलेंट। आपको दो एग्जाम्पल देने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो वो मैं दिखाने की ट्राई करता हूँ। 4 points याद रखो, उन्होंने अच्छे से ग्रुप नंबर 1 है, और कौन है? 17। 17 किससे सेपरेटेड है बताओ? ग्रुप 18 नोबल गैस। नोबल गैस से हो क्या है बच्चों? सेपरेटेड। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। यस। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो सोच लो थोड़ा सा। आए नेक्स्ट पॉइंट पे? आए अभी? यस सर। चलो अब सोचो, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल देना है। फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम जो है वो ग्रुप 1 में आएगा, वो एक इलेक्ट्रो उसका होता है NH2 NS1 होता है, 3S1 लिख देता हूँ ना, NS1 क्यों लिखते हैं, नियॉन 3S1 है ना। वो सपोज आयन बनाता है, कौन सा आयन बनाता है बच्चों बताओ? वो कौन सा आयन बनाएगा? Na+। तो उसमें क्या होता होगा बताओ? सिर्फ और सिर्फ उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाती होगी? नियॉन की थी और प्लस इलेक्ट्रॉन। फिर ग्रुप नंबर कौन आएगा? 17 क्लोरीन है, उसका होता है नियॉन 3S2 3P5। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया तो ये Cl- हो जाएगा, यहाँ पे आएगा नियॉन 3S2 3P6, आर्गन की तरह हो जाएगा। यस, आर्गन की तरह हो जाएगा। फिर ये जो NaCl है वो मिलके क्या बनाएंगे? सपोज Na+, देखो पहले दोनों ने आयंस बना दिए, अब दोनों आयंस एक दूसरे के नजदीक आएंगे, तो Na+ और Cl- एक दूसरे के साथ नजदीक आएंगे और यहाँ पे क्या बना देंगे? NaCl। आई बात समझ में? Yes. और सुनो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज आयन के बीच में जो सॉलिड बनता है, नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज आयन के बीच में जो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोवैलेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड। बोलो, मतलब ये है आयोनिक बॉन्ड, लेकिन कॉसेल ने इसको क्या बोला था? इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड। आई बात समझ में? यस। वैलेंसी पूछे तो, इलेक्ट्रोवैलेंस पूछे तो ये +1, और इसका इलेक्ट्रोवैलेंस पूछे तो -1। इलेक्ट्रोवैलेंस मींस वैलेंस, जो अभी हम बोलते हैं वो। अब ऐसे एक एग्जांपल देते हैं CF2 का, कोई बता पाएगा CF2 का एग्जांपल कैसे आता होगा? कैल्शियम में, कैल्शियम जो होता है Ca+2+2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हाँ है ना, दो फ्लोरीन है तो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2F- में हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कैल्शियम की आएगी, कैल्शियम की क्या आएगी? आर्गन फॉरेस्ट टू, और इसके आएगा आर्गन फ्लोरीन का तो आपको पता ही है, और यहाँ पे फ्लोरीन माइनस मतलब किसके जैसा हो जाएगा? नियॉन के जैसा। नियॉन एक कैल्शियम के पास
एक कैल्शियम प्लस टू होगा और टू एफ माइनस आएगा, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे बच्चों, सी एफ टू, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे बताओ, सी एफ। हाँ, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो वैसे। चलो हो गया, ये कोई डाउट इसमें हो गया। ओके चलो, ओके इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आए अब तक वो हम किसके ऊपर बात कर रहे थे बच्चों, कि भाई किस तरह से केमिकल बॉन्ड होती है, छोटी छोटी बातें जो हमें भी पता है। वो सबसे पहले क्या हुआ, किसने बोला तो, हाँ लुईस एंड कौसल ने बताया ये सभी बातें, और हमने बहुत ही अच्छे से इसको क्या कर दिया, अभी स्टडी में इनपुट कर दिया। ठीक है, अब हम बात करने वाले, इससे हमें एक चीज ये पता चल रही है ऑक्टेट रूल क्या होता है। चलो ठीक है, इससे हमें एक चीज और पता चली, हमें इसके एक और पहलू के बारे में पता चला कि केमिकल बॉन्डेड क्यों होते हैं, ऑक्टेव ऑक्टेट रूल। सुनो, फिर ऑक्टेट रूल क्या हुआ, अब इन दोनों ने ना मिलके लाइक कौशल एंड लुईस इंडिविजुअली डेवलप की थी, सॉरी कौशल एंड लुईस इन 1916 डेवलप्ड एन इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन एटम नोन एज इलेक्ट्रॉनिक थियरी और केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले डेफिनेशन और समझाने की बात किसने की थी, किसने की थी बताओ, सबसे पहले किसने की थी, कौशल एंड लुईस, कौशल एंड लुईस। तो उसको बोलते हैं वैलेंस थियरी, केमिकल बॉन्डिंग थियरी, इलेक्ट्रॉनिक थियरी, समझे आप बात। तो इसके अकॉर्डिंग ऑक्टेट रूल क्या था बताओ, उन दोनों के अकॉर्डिंग ऑक्टेट रूल क्या था, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स विल ट्राई टू एक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैस, इट विल हैव अ 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, सो आइदर बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स दे विल कंबाइन विद अदर एटम टू फुलफिल देयर ऑक्टेट। यही जो हमने अब तक पढ़ा, समझे बात। यस सर। सो अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल एटम्स कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस, दोनों एटम कंबाइन होंगे जैसे NaCl क्यों कंबाइन होते हैं, बाय ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, और दो फ्लोरीन क्यों कंबाइन होते हैं, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, समझे बात। यस सर। तो उसको हम लोग कौन सा रूल बोलते हैं बताओ बच्चों, उनको हम लोग कौन सा रूल बोलते हैं, नेक्स्ट वन कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपको और मुझे दोनों को पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा क्या होता होगा कोवेलेंट बॉन्ड में, इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, अब बात ये हो गई, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जरूरी था, यहाँ पे ये सभी चर्चाएं हो रही थी, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात हो रही थी, लुईस और कौन आया कौशल, उन्होंने अच्छी सी थियरी दी, लेकिन कौशल ने लुईस ने ये बताया था कि आप उसने वैलेंस कौन से फॉर्म में ली थी, क्यूब के फॉर्म में ली थी और कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन रख रहा था। तो लैंगमुइर करके एक साइंटिस्ट आया, ओके कौन आया भाई, लैंगमुइर। हाँ, तो लैंगमुइर ने रिफाइन किया मतलब रिडिफाइन किया, कि इसने जो है उसमें थोड़े सा बताया कि भाई ऐसा नहीं होता है, जो हमारा जो वैलेंस हम लोग कौन से फॉर्म में दिखाते हैं उसको कौन से फॉर्म में लेंगे, स्फीयर के फॉर्म में लेंगे, कौन से फॉर्म में बताया उसने, स्फीयर। हाँ,
और उसने उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी डेवलप की और वो था कोवेलेंट बॉन्ड। पहले की कोई नाम नहीं दे रहा था कोवेलेंट बॉन्ड, पहले तो इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड था, अब एक कोवेलेंट बॉन्ड आया, समझे बात? यस ओके। और अब देखो, अब लैंगमियर ने बहुत बढ़िया सी थियरी दी, उसने ये बताया कि हर कोई ट्राई करता है अपने आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने की। अगर क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सर क्लोरीन का फॉर्मूला होता है 3s2 3p5। अब बताओ इसको कंप्लीट होने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। यस, एक इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करना पड़ेगा, है या ना? ओके। और सामने एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, उसकी भी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती होगी। ये देखो, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, वो भी क्या होगा? नियॉन 3s2 3p5। अब ये दोनों बोलेंगे यार हमें कुतना कुत करना पड़ेगा कि जिससे हम दोनों क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, क्लोरीन जो होता है उसके बीच में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है? यस और नो? हाँ ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे दूसरा क्लोरीन। चलो कलर चेंज कर लेता हूँ ऐसा। तो एक भी बंक मत लगाना बच्चों, इस लेक्चर के पूरे वीडियोस देखो अच्छे से और अच्छे से नोट बनाओ, मजा आएगा, समझ में आ जाएगा पूरे का पूरा चैप्टर आराम से। समझ में आ रहा है ना जो पढ़ा रहा है वो भी? वो ये जो होता है, ये होता है ऑक्टेट रूल कंप्लीट भी कर लिया, अब दोनों में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों ने अपनी क्या कर ली भाई, ऑक्टेट कंप्लीट कर ली, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो ये हम बोल सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोल सकते हैं हम इसको? कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम। और यहाँ पे जो डॉट रिप्रेजेंट करते हो, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? लुईस का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं कि क्लोरीन में ये 7 इलेक्ट्रॉन है तो सामने दूसरे क्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये जरूरी नहीं सिर्फ क्लोरीन के लिए, इसी तरह बाकी सबके लिए हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन कंडीशन याद रखना कैसे होता है कि ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम। बॉन्ड तब भी बनेगा जब वहां पे क्या होता होगा, इलेक्ट्रॉन की क्या होती होगी बच्चों, शेयरिंग होती होगी, सपोज HCl है, हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बतानी पड़ती है आपको। ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट्स एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर। हाँ, उन्होंने पहले बताया था कि अगर आपको प्योर कोवेलेंट बॉन्ड चाहिए, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड चाहिए, तो इस पेयर में एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होना चाहिए, समझे बात? द कंबाइनिंग एटम्स अटेन द आउटर शेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। चलो ये शेयर करते ही क्यों है बताओ, शेयरिंग से इनको क्या बेनिफिट है? तो बताना है कि आफ्टर शेयरिंग they will acquire electronic configuration like noble gas, hai na? Yes sir. Ek example de dete hain, pehla kya bola ki bhai electron ki sharing hoti hai, fir bataya ki Lewis representation se batate hain sharing mein compulsory dono atoms ke ek ek electron hone chahiye, fir ye bataya ki yahan pe jo hai dono sharing se unko kya milta hai, शेयरिंग के हिसाब से वो क्या हो जाते हैं, नोबल गैस की तरह एक्वायर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई बात समझ में? यस और नो? यस सर। ओके। और लास्ट में हमने क्या बताया कि भाई HCl HCl तो ऐसे दिखाते हैं, टेक्स्ट बुक में दो एग्जांपल और दे दिए, सपोज पानी है पानी तो ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 5 6 दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सामने हाइड्रोजन ले लो, ये हाइड्रोजन आ गए। अब आप समझे? अब देखो, ये हो गया हीलियम जैसा नोबल, ये हो गया हीलियम जैसा नोबल, और ये क्या हो गया, नियॉन जैसा। तो ये अब ऐसा होता है, आपको पता है ना H2 ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे बॉन्ड क्या दिखाता है पता है, दोनों की शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन से तो दिखाता है बॉन्ड, समझे बात? सपोज CCl4 है, सपोज कार्बन टेट्राक्लोराइड है,
CCl4 है, मुझे पता है क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, समझो, 1, 2, 3, 4. अब इसके साथ कौन रखना, कौन है हमें बताओ, इसके साथ हमें कौन रखना है, क्लोरीन रखना है, क्लोरीन. क्लोरीन एक की शेयरिंग करेगा, आप समझ रहे हो बात? यस सर. कहने का तरीका ये है, इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और इसको अगर मुझे दिखाना है तो एक कार्बन है, 4 क्लोरीन है, अब 4 इलेक्ट्रॉन तो चले गए तो इसके पास कोई नहीं बचेगा. सपोज अमोनिया ड्रॉ करो, अमोनिया NH3,